मेरे को श्री अतुल अवस्थी अधिवक्ता सीनियर वकील साहब ने बोला कि हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब होती है उसका ऐप में कैसे डाउनलोड किया जाए, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए, आई शुड गिव गाइडेंस ऑन दैट थ्रू वीडियो। थैंक यू वेरी मच अतुल भैया। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आपका मुकदमा हाई कोर्ट में लगा होगा, वन डे प्रायर टू दैट यू विल रिसीव वन कॉल फोन कॉल फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट ऑफ द हाई कोर्ट एंड दे विल गिव यू अ लिंक। लिंक मीन्स दे विल गिव यू एन एड्रेस इन द बाय गिविंग यू अ मैसेज ऑन द व्हाट्सएप। यू मस्ट हैव व्हाट्सएप कनेक्शन इन योर फोन। सो ऑन द डे ऑफ हियरिंग यू विल अगेन रिसीव अ कॉल फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट आस्किंग यू टू कनेक्ट। आप उसी लिंक में उंगली रखेंगे तो जैसे लिंक करेंगे आपको इमीडिएटली कोर्ट रूम में पहुंचा दिया जाएगा। दिस इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट यू हैव जिप्सी ऐप इन योर फोन, JITSI। सपोज आपके जिप्सी ऐप फोन में नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं, जैसे ही आप उसको लिंक पे क्लिक करेंगे लिंक विल डायरेक्ट यू टू प्ले स्टोर और प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड जिप्सी ऐप करने के लिए आएगा। वहां टच करेंगे अपने आप जिप्सी ऐप जो है इंस्टॉल हो जाएगा। वापस आप व्हाट्सएप में आइए, उसी लिंक में क्लिक करिए, यू विल एंटर द कोर्ट रूम, स्टार्ट द आर्ग्यूमेंट्स, पहली बात। अब दूसरी सिचुएशन, अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट होना चाहते हैं, देर आर टू वेज टू गेट द सेम लिंक ऑन योर कंप्यूटर। ए, यू आस्क द आईटी डिपार्टमेंट टू ईमेल यू द लिंक और यू ईमेल द लिंक टू योरसेल्फ। वो वाला लिंक जो है उसको आप ईमेल, यू ओपन द लिंक फ्रॉम व्हाट्सएप वेब से वो लिंक आपको खोलना है। अब सवाल ये है, तो ये दो सिचुएशन मैंने आप बताई कि या तो उस लिंक को अपने आप को आपने ईमेल किया है या फिर आप व्हाट्सएप वेब से खोल लेते हैं। नाउ ईमेलिंग द लिंक, इसमें क्लिक ऑन द लिंक एंड एंटर योर नेम एंड स्टार्ट द आर्ग्यूमेंट्स। अब नहीं, आपको व्हाट्सएप वेब के जरिए जाना है तो व्हाट्सएप वेब बहुत ही ईजी है पहुंचना। अगर आप गूगल में जाते हैं ऊपर टाइप कर दीजिए व्हाट्सएप वेब, जैसे ही व्हाट्सएप वेब क्लिक करेंगे तो दैट विल टेक यू टू www.web.whatsapp.com। जैसे क्लिक करेंगे तो एक बार कोड शो हो जाएगा, उस बार कोड से आप उसकी फोटो आप अपने मोबाइल से ले लें। देखिए ये मेरा मोबाइल है, ये मेरे मोबाइल को मैंने ये खोला और ये वाला जो पोर्शन है इसमें मैंने ऐसे किया तो ये व्हाट्सएप वेब आया, मैंने ऐसे किया तो इसने ये एक फोटो लेना चाहता है किसी की। अब फोटो किसकी लेगा, ये देखिए ये एक इसकी फोटो लेनी, ऐसे देखिए फोटो लेते हैं। मतलब मेरा कहने का, आपका जो मोबाइल है उस मोबाइल में अगर आपने यहां क्लिक किया व्हाट्सएप वेब में पहुंचे और ऐसे जो इसकी बार कोड आया उसको जैसी आप फोटो लेते हैं तो आपका कंप्यूटर आपका व्हाट्सएप हो जाता है। फिर उसके बाद जो आपको व्हाट्सएप से करना है वो आप कंप्यूटर से कर सकते हो, मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है। तो मेरे दोस्तों मैं बस यही समझाना चाहता हूं कि जब आप व्हाट्सएप वेब में जाएं इट विल ओपन योर कैमरा एंड देन योर व्हाट्सएप वेब इज ओपन, देन यू सर्च फॉर दी कॉन्टैक्ट, वही वाला जो आईटी डिपार्टमेंट का है उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे इमीडिएटली यू विल गो इन टू दी कोर्ट रूम। इट इज वेरी वेरी सिंपल, परंतु ये शायद सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, करने में बहुत बहुत ज्यादा आसान है। एक मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहता हूं कि जब विरोधी वकील बहस कर रहा हो तो अगर आप सक्षम हैं तो आप अपनी वॉइस को म्यूट कर दें, नहीं तो आपके यहां कोई बातचीत हो रही वो कोर्ट को डिस्टर्ब करती है। दूसरी बात ये, बिफोर स्टार्टिंग द आर्ग्यूमेंट्स मेक श्योर that you are sitting in a noise-free room without any disturbance and your face is lit, not that your back is lit. And while the opposite and maintain the decorum, please wear white shirt, please wear bands and be properly dressed on the top portion. And before arguments, please check whether your front cam, webcam, speakers are working all right, so that inconvenience is not caused. I'm very sure
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज वेरी इजी, इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली, एवरीवन विल बिकम अकस्टम टू इट वेरी वेरी सून, बट यू मस्ट हैव अ वेरी गुड either internet connection or in your mobile also the signal should be good. Please ensure and sit in that room जिसमें अच्छा connection. बस एक problem कई बार आता है, खासकर जो first time users हैं, the court or the opposite counsel take time to join, then you don't see anyone else on the screen except yourself. Do not worry, stay on the screen, after some time they will join. If they do not join, then you call the IT department number. Generally, you wait and they will come.